दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार यूपी बोर्ड में नकल पर नकेल कसने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीएमएसपी जल्दी 10वीं 12वीं परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर सकती है। इसके बाद स्टूडेंट अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी को इस बार 52 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं की बोर्ड की परीक्षाएं करानी हैं। इन परीक्षाओं को पूर्ण रूप से नकल विहीन बनाए रखने के लिए यूपी बोर्ड की ओर से सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड जहां पहले ही पाठ्यक्रम में कटौती कर सिलेबस को कम कर चुका है, वहीं साथ ही अब डेट शीट जारी कर जल्द ही परीक्षाओं की तारीख को घोषित कर सकती है। दोस्तों इस बार यूपीएमएसपी के द्वारा एग्जाम सेंटर का चयन करने के लिए जियो टैगिंग प्रोसेसर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनाने के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं, जिन्हें पूरा न करने वाले स्कूल अब की बार एग्जाम सेंटर बनाने में वंचित रह जाएंगे। हालांकि डेट शीट का आधारिक ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। इसके रिलेटेड अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को समय समय पर यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाकर डेट शीट चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों इस बार यूपीएमएसपी की सेंट्रल पॉलिसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगे हुए होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट बोर्ड की परीक्षाओं की घर बैठे बैठे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। मोर अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें।